आज की इस एंटोमोलॉजी की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, इनकी इम्पोर्टेंट जो फैमिलीज हैं एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस की, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स। तो सबसे पहला जो है वो इम्पोर्टेंट है कि ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है ना। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, इसकी इटिमोलॉजी अर्थात यह दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, लेपिडो अर्थात स्केल्स और टेरा अर्थात विंग्स है ना। मतलब ऐसे इंसेक्ट्स जिनके की विंग्स में स्केल्स पाए जाते हैं या जिनको स्केली विंग्स कहा जाता है, उस प्रकार के जो इंसेक्ट्स के ऑर्डर्स हैं वो लेपिडोप्टेरा के तहत आते हैं। और ये जो है सबसे पहला जो लेपिडोप्टेरा टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस्ड किया था लीनियस ने, है ना, 1735 में। और जितनी भी जो मॉथ्स हैं और बटरफ्लाइज हैं ना, वो सब मॉथ्स और बटरफ्लाइज जो है इस लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। और ये जो बहुत अपन लोग जो नेचर में देखते हैं ब्यूटीफुल सा है ना, जो इंसेक्ट्स देखते हैं, तितली जिसको बोलते हैं, वो सब इसी लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आती है ना। और इसको लेपिडोप्टेरा इसीलिए बोला गया क्यों, क्योंकि जो इनके जो एडल्ट इंसेक्ट्स होते हैं उनके विंग्स में जो स्केल्स पाया जाता है। स्केल्स क्या होता है? स्केल्स एक प्रकार से छोटे से ना फ्लैक्स जैसे हैं ना, जो कि विंग्स के ऊपर कवर किए होते हैं, उनको बोला जाता है स्केल्स। ये इसके जो है इटमोलॉजी के बाद इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इनके जो चारों विंग्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, बट ब्राइटली कलर्ड होते हैं, है ना। ब्राइटली कलर्ड विंग्स, ये देखिए राइट साइड पे यहाँ पे दिखा रहा है, ये विंग्स के ऊपर ये जो फ्लैक्स जैसी स्ट्रक्चर दिख रहा है यही कहलाते हैं आपका स्केल्स, है ना। और जो इसके दोनों जोड़ी विंग्स, हाइंड विंग्स और फोर विंग्स और हाइंड विंग्स है ना, वो दोनों में जो है आपका यही होता है कि इनमें क्या स्केल्स पाए जाते हैं दोनों में। और ये हाइंड विंग्स जो होते हैं वे आपके वो छोटे होते हैं फोर विंग्स से, है ना। और दोनों के दोनों, फोर विंग्स और हाइंड विंग्स, पूरे स्केल्स से कवर होते हैं। तो इसमें जो कंपाउंड आइज होती है ना, जो इस ऑर्डर के इंसेक्ट्स की, वो कई प्रकार के छोटे छोटे जो ओमिटीडिया लेंस है ना, उससे मिलकर के बनी होती है ना, और जिसके जरिए जो है इनको अपनी इमेज दिखाई देती है। ये देखिए, और ये आंख है, ये देखिए, ये इनकी जो कंपाउंड आईज है इसके बीच में एक सिंगल ओसेलाई या सिंपल आईज को बोलते हैं ना, इस कंपाउंड आईज के बीच में एक सिंगल ओसेलाई होती है इसमें। और जो इसका जो एंटीना होता है वो क्लेवेट टाइप का होता है इसमें, बटरफ्लाईज के केस में, जबकि जो आपका मॉथ्स होती है ना, मॉथ्स के केस में ये जो एंटीना होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है ना। और जो बटरफ्लाईज में होता है क्लेवेट होता है, उस समय में किसी किसी इंसेक्ट्स में क्लब्ड टाइप का होता है, जबकि मॉथ्स में जो यही एंटीना है वो एंटीना कहीं फिलीफॉर्म होता है, कहीं पेक्टिनेट होता है, कहीं बाईपेक्टिनेट होता है ना। और जो आपका इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है इस ऑर्डर के इंसेक्ट्स में, वो होलोमेटाबोलस होती है, अर्थात जो है बटरफ्लाईज और मॉथ्स में होलोमेटाबोलस होता है, इसकी जो मेटामॉर्फोसिस है उसमें चार स्टेजेस होंगी, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। और ये जो माउथ पार्ट्स का प्रोबोसिस होता है वो एक प्रकार से बहुत लंबा होता है, और एडल्ट में खासकर प्रोबोसिस जो है तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। ये देखिए, ये लास्ट लाइफ साइकिल है लेप्टोप्टेरा की, जिसमें चार स्टेज होती हैं, एग, कैटरपिलर बोला जाता है लार्वा को, और प्यूपा है ना, तो प्यूपा को क्राइसेलिस टाइप का प्यूपा बोला जाता है। और उसके बाद आपका ये हो गया, इसमें से एडल्ट इमर्ज हो गया और
ये एडल्ट आ गया है ना। तो इस प्रकार से मॉथ्स और बटरफ्लाइज की जो लाइफ साइकिल होती है वे होलोमोटोबुलस होती है, अर्थात कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है इसमें, जिसमें कि चार स्टेजेस पाई जाती है। अब बात होती है मॉथ और बटरफ्लाई, मॉथ और बटरफ्लाई में क्या अंतर होता है। तो मॉथ जो जितनी भी स्पीसीज है उसमें इंसेक्ट्स में से 90% जो होती है वो मॉथ्स होती है ना, लेप्टोप्टेरा ऑर्डर की, और जो 6 से 11% के लगभग लगभग जो है वो बटरफ्लाईज पाई जाती है, मतलब मॉथ्स की संख्या जो है वो ज्यादा है होती है। और इनकी जो एक्टिविटी पीरियड है, इनको मॉथ क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो मॉथ होता है वो नॉक्टर्नल इन हैबिट अर्थात रात्रिचर होता है, ये रात को एक्टिव रहता है, दिन के समय में शांत रहता है, दिन के समय में एक्टिव नहीं रहता है, दिन के समय में ये सोता रहता है। और जबकि जो बटरफ्लाई होती है वो डायरनल होती है, डायरनल अर्थात दिन के समय में ये एक्टिव रहेंगी, रात के समय में ये एक्टिव नहीं रहेंगी। मॉथ के जो अंडे हैं वो हमेशा गुच्छों में दिए जाते हैं ना, गुच्छों में दिए जाते हैं, जबकि बटरफ्लाई अपने अंडे जो है वे सिंगली एक एक करके देती है। एंटीना जो है मॉथ में प्लूमोस, पैक्टिनेट है ना, फिलीफॉर्म, इस तरीके के एंटीना पाए जाते हैं, जबकि बटरफ्लाई में क्लब्ड है कैपिटेट टाइप के एंटीना पाए जाते हैं। और इसमें मॉथ्स में अट्रैक्शन फेरोमोन्स के जरिए होता है, जबकि इसमें बटरफ्लाईज में जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है वो आपका विजुअल और फेरोमोन्स दोनों के जरिए होता है। ये जो इसकी विंग कपलिंग एपरेटस, देखिए फेंडुलम टाइप का विंग कपलिंग एपरेटस मॉथ्स में पाया जाता है, जबकि बटरफ्लाईज में सामान्यतः जो है वो लोब्ड प्रोसेस है ना, ये मतलब वो जो हाइंड विंग्स के बेस पे जो है ना वो आकर के ऐसा अटैच कर लेता है ना, लोब्ड प्रोसेस के जरिए जो है विंग्स की जो है विंग कपलिंग मैकेनिज्म पाया जाता है। और सामान्यतः इसके जो प्यूपा होता है बटरफ्लाई का वो क्राइसेलिस टाइप का पीपा कहलाता है, और इसमें जो मॉथ में है वो भी क्राइसेलिस के अलावा अन्य प्रकार के भी ऑप्टेक टाइप के पीपा वगैरह पाए जाते हैं, है ना। इसका जो कलर होता है वो आपका देखिए, ये जो उसके जो है ना फ्लैट होता है, रूफ लाइट बॉडी के ऊपर जो है पूरे के पूरे कवर रहते हैं, जबकि इसका जो वो होता है वो वर्टिकली अपराइट ऊपर की ओर खड़े होते हैं ना। और इनका जो साइज है देख लीजिए, अलग अलग प्रकार के साइज होते हैं, है? जबकि बटरफ्लाई जो होती है, और मॉथ का जो साइज है वो साइज अलग रहेगा और थोड़े मटमैले टाइप के रहेंगे, भद्दे टाइप के रहेंगे, जबकि ब्राइटली कलर्ड बटरफ्लाई जो होती है वो ब्राइटली कलर्ड होती है। और इसमें जो है ये नॉक्टेडी, नॉक्टिड्स, ये सब मॉथ्स में आते हैं, जबकि बटरफ्लाईज में पेप्लियोनिडी, स्वेलोटेल्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इस प्रकार से बटरफ्लाईज और मॉथ में डिफरेंस पता होना चाहिए। और इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है सामान्यतः है, लेप्टोप्टेरा जो है ऑर्डर है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, जिसमें कि फाइटोफेगस इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, इसमें कि हर्बीवोरस इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, मोस्टली एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस की जितनी जो क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स में अटैक करने के लिए मैक्सिमम जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हर्बीवोरस अर्थात फीड्स ऑन द प्लांट्स है ना, वो सब जो है इस लेप्टोप्टेरा ऑर्डर के तहत पाए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट नेचुरल एनिमीज है, मित्र कीट जो है वो भी इस ऑर्डर के तहत आते हैं। और इसके अलावा इस ऑर्डर का इम्पोर्टेंस ये होता है कि इसमें जितनी भी मॉथ्स एंड बटरफ्लाईज हैं वो पॉलिनेशन में भी हेल्प करती है, पॉलिनेशन में हेल्प करने के कारण से यील्ड जो है वो एनहांस होती है, यील्ड में बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार से पॉलिनेशन का भी काम ये इस ऑर्डर के इंसेक्ट करते हैं। साथ ही साथ इनके एडल्ट इंसेक्ट जो है फ्लावर से नेक्टर वगैरह कलेक्ट करते हैं, है ना, नेक्टर वगैरह कलेक्ट करने का काम भी करते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो है कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो नेचुरल एनिमीज के बतौर जो है इस ऑर्डर में भी आते हैं। तो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बाद कुछ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट फैमिलीज हैं जो हमारे कोर्स के तहत आती हैं, तो जिसमें से एक है, सबसे पहला है फैमिली पेप्लियोनिडी। पेप्लियोनिडी, पेप्लियोनिडी के तहत जो इंसेक्ट्स आती हैं, बटरफ्लाईज वगैरह आती हैं, और इनको बोला जाता है स्वेलोटेल्स, है ना। तो ये इनके फिगर में दिखाया गया है, ये देखिए ये स्वेलोटेल्स हैं, है ना, और ये इनकी प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये सामान्यतः बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं और ब्राइट कलर्ड की होती हैं, और
इनके जो प्रोथोरेसिक लैक्स है उनमें टीबियल एपिफाइसिस पाया जाता है। एक प्रकार का टीबियल एपिफाइसिस जो है वो टीबिया में एक तरीके का स्ट्रक्चर्स है। और कई स्पीसीज हैं जिनमें की जो हाइंड विंग्स देखिए, ये हाइंड विंग्स जो है ना इसमें, ये हाइंड विंग्स में देखिए देखिए टेल लाइक है ना, टेल लाइक प्रोलॉन्गेशंस पाए जाते हैं। टेल लाइक जैसे पूंछ होती है, पूंछ की जैसे प्रोलॉन्गेशंस पाए जाते हैं कई स्पीसीज में हाइंड विंग्स में, है ना। और विंग कपलिंग एपरेटस इसमें जो है एम्प्लेक्सी फॉर्म का विंग कपलिंग एपरेटस पाया जाता है। लार्वल बॉडी जो इस फैमिली की कैप्लियोनिडी की जो लार्वी है ना, उसकी जो लार्वी की बॉडी है वो स्मूथ होती है, और उसके ऊपर उस लार्वी के ऊपर एक ना एक हॉर्न जैसी रचना रहती है जिसको बोलते हैं ट्यूबरकल्स, है ना। वो ट्यूबरकल्स पाया जाता है इसमें। इसका एग्जाम्पल है कैप्लियोनिडी का सिट्रस बटरफ्लाई, पीलियो डिमोलियस। दूसरी फैमिली है पिरिडी। पिरिडी पिरिडी इसके तहत जो है व्हाइट बटरफ्लाइज, येलो बटरफ्लाइज है ना, कैबेज बटरफ्लाइज इसके तहत आती है। तो ये जो है आपका सफेद, पीली और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाइज होती हैं, और जिनके आउटर मार्जिन, ये आउटर मार्जिन जो होती है वो आउटर मार्जिन में ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक मार्किंग्स होती हैं इसके आउटर पे तरफ ना। इसका जो लार्वा होता है वो ग्रीन होता है, लंबा होता है और बिल्कुल बारीक बारीक हेयर से ढका हुआ रहता है। और लार्वल बॉडी जो होती है उनकी जो सिगमेंट्स होते हैं वो एन्यूलेटेड होते हैं इस फैमिली के, पीरियडी फैमिली के लार्वी में। इसका एग्जाम्पल्स है कैबेज बटरफ्लाई, पियरिस रेसिपी। ये सब जितने फिगर इसमें दिखाई दे रहे हैं ये सब पीरियडी फैमिली के ही चित्र हैं। पीरियडी के बाद आती है सैटर्निडी। सैटर्निडी जिनको बोला जाता है जायंट सिल्क मॉथ, सैटर्निडी फैमिली ना। इस फैमिली की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये भी जो है बड़े आकार की मॉथ्स हैं, ये बटरफ्लाई नहीं है, ये मॉथ्स है। लार्ज साइज, बड़े साइज की मॉथ्स होती है। एंटीना जो होता है इसमें, ये देखिए ये एंटीना दिख रहा है, एंटीना इसमें होता है बाईपैक्टिनेट प्रकार का, ये एंटीना दिख रहा है बाईपैक्टिनेट प्रकार का एंटीना होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है, इसकी पहचान है कि इसके विंग्स पे जो सर्कुलर ट्रांसपेरेंट आई स्पॉट है ना, गोल से आंख के जैसे, ये देखिए दोनों जोड़ी पंख में है, फोर विंग्स और हैंड विंग्स में जो है आपका इस तरीके के सर्कुलर है ना ट्रांसपेरेंट आई आंख के जैसे स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। ये इस फैमिली की सबसे बड़ी विशेषता है ना, दोनों जोड़ी पंखों में। तो इसलिए जो है इसको, इसकी पहचान सैटर्निडी से की जाती है। लार्वा जो होता है इस फैमिली का वो स्टाउट होता है और स्मूथ होता है, और जिसके ऊपर स्कोली पाई जाती है। स्कोली एक प्रकार का पॉइजनस ग्लैंड होती है जिसके जरिए लार्वा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉइजन सिक्रीशन का कार्य करता है। कोकून्स जो होता है वो आपका डेंस होता है, फर्म होता है। इसका एग्जाम्पल है सैटर्निडी का टसर सिल्क वर्म, एंथेरिया रेपिहा। एक और फैमिली है बॉम्बाइसिडी। बॉम्बाइसिडी के तहत आती है सिल्क वर्म मॉथ्स, है ना। इसमें जो एंटीना होता है इसका भी बाईपैक्टिनेट प्रकार का एंटीना होता है। बॉम्बाइसिडी का लार्वा जो होता है उसके चारों ओर बालों के गुच्छे पाए जाते हैं, हाँ ये देखिए। और इसमें साथ साथ इसका जो एर्थ एब्डोमिनल सिगमेंट्स है ना, इसके ऊपर एक प्रकार का डॉर्सल पोर्शन पे हॉर्न, सिंग की जैसी संरचना होती है जिसको बोला जाता है, ये देखिए ये सब दिख रहा है डॉर्सल हॉर्न है ना, कौन से आठवें एब्डोमिनल सिगमेंट्स के ऊपर पाया जाता है। और प्यूपेशन जो होता है वो सिल्कन कोकून के अंतर्गत अंदर है ना, सिल्कन कोकून के अंदर जो है वो इसका वो होता है, प्यूपेशन होता है। और जो इसके तहत जो हम लोग रेशम, रेशम जो नाम सुना है मलबरी सिल्क वर्म बॉम्बैक्स मोरई, वो बॉम्बिसिडी फैमिली के अंतर्गत आती है, जिसके कि घरों में महिलाएं रेशम की साड़ियां, रेशम के वस्त्र ना पहनती है, वो रेशम जो है वो इसी बॉम्बिसिडी सिल्क वर्म के जरिए प्राप्त किया जाता है। ये इसका एडल्ट है, ये इसकी लार्वी है, प्यूपा है, और ये इसका कोकून है। अगली फैमिली है स्फिंजिडी। स्फिंजिडी के तहत अंतर्गत हॉक मॉथ, स्पिंग मॉथ, हॉर्न वर्म्स आती हैं। और ये भी कैसे होते हैं, ये लार्ज साइज, बड़े साइज के होते हैं है ना, और बोल्ड होते हैं, स्टॉटली बिल्ड मॉथ्स होती हैं। इसका जो एंटीना होता है वो थिक होता है और हुक्ड, अर्थात क्लब टाइप का
एंटीना इसमें पाया जाता है। प्रोबोसिस, इसका इसका जो प्रोबोसिस होता है माउथ पार्ट के अंतर्गत, तो प्रोबोसिस जो होता है बहुत लंबा होता है। फोर व्हील्स, देखिए फोर व्हील्स जो है वो लंबे होते हैं और पॉइंटेड होते हैं मार्जिन्स पे ना, आउटर मार्जिन्स पे ये पॉइंटेड होते हैं और लंबे होते हैं। और हाइंड व्हील्स जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, छोटे होते हैं है? और आपका इसकी मार्जिन के अंतर्गत अंदर आ जाते हैं, मतलब फोर व्हील्स के अंतर्गत अंदर आ जाते हैं। और एडल्ट मॉस जो होती है वो आदमी की जो स्कल होती है, ह्यूमन स्कल, ह्यूमन खोपड़ी के जैसा जो है ये दिखाई देता है, इसीलिए इसको जो है ना आपका हॉक मॉथ बोला जाता है। ये सब फिगर है इसी हॉक मॉथ के हैं। टिल हॉक मॉथ इसका एग्जांपल है। टिल हॉक मॉथ इस फिंगिडी फैमिली के अंतर्गत आता है। एक और फैमिली है क्रैम्बिडी, क्रैम्बिडी एंड पैरालिडी ना, इसके तहत आते हैं ग्रास मॉथ ना। तो ये जो है इसके जो माउथ पार्ट्स का जो लेबियल पल्प्स है वो बहुत लंबा होता है, एक्सटेंडेड होता है। फोर विंग्स, ये देखिए फोर विंग्स जो है नैरो होते हैं, छोटे होते हैं और लंबे होते हैं ना। और ये जब रेस्ट की पोजीशन में होता है तो अपनी पूरी बॉडी को रैप करके, इसके विंग्स जो होते हैं वो रेस्ट की पोजिशन जब रहेंगे पूरी बॉडी को रैप करके ये बैठता है। और लार्वा जो है इस ऑर्डर, इस फैमिली का जो लार्वा है वो रूट में, स्टेम में है ना, और आपका जितने भी ग्रेमनेशियस प्लांट्स हैं है ना, उनका जो जड़ जहाँ से निकलती क्राउन, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज रहती है, उन पे वहाँ पे वो बोर कर देते हैं। इसीलिए जितने भी जो स्टेम बोरर्स हैं है ना, चाहे वो राइस स्टेम बोरर हो, चाहे वो सोरगम स्टेम बोरर हो है ना, चाहे पिंक स्टेम बोरर हो, ये सब जितने जो हैं स्टेम बोरर्स हैं वो इसी फैमिली के तहत आते हैं। इसको वो जैसे एग्जाम्पल है सोरगम स्टेम बोरर काइलो पार्टेलस। एक और फैमिली है जिलैकिडी, जिलैकिडी के अंतर्गत सामान्यतः स्टोर ग्रेन क्रेस्ट आलू पोटैटो ट्यूबर मॉथ इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा पैडी मॉथ भी इस फैमिली के अंतर्गत आती है। इसमें जो फोर विंग्स होते हैं ना, ये देखिए ये फोर विंग्स जो है वो ट्रेपोजाइडल और नैरोअर, नैरो होते हैं और ट्रेपोजाइडल शेप के होते हैं ना। और जो है आपका ये लंबे से, देखिए ये चित्र दिखा रहा है। और कैटरपिलर्स जो होते हैं ये सामान्यतः सीड को, ट्यूबर्स को और लीव्स को, ये देखिए ना, इनको सबको बोर करके इनके अंतर्गत रहते हैं। और जो अंदर रहने के कारण से ये दिखाई नहीं देते, बाहर से वो सीड स्वस्थ दिखाई देते हैं, लेकिन ये सीड जो है उनका जर्मिनेशन भी खत्म हो जाता है। साथ साथ जब इस सीड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो ये इंसेक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह उस सीड के जरिए पहुँच जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, जिसके तहत जो है कई बार क्वारंटाइन की स्थिति आ जाती है, इसमें कि इंसेक्ट्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के पहले पोर्ट में इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। तो इसका एग्जांपल्स हैं कॉटन पिंक बॉलवर्म पेक्टिनोफोरा गॉसी पेल्ला, फैमिली है जिलैचिडी। और एक और फैमिली है आर्कटिडी, आर्कटिडी के तहत सुंदर सी मॉस आती हैं, टाइगर मॉस कहते हैं। इनके विंग्स जो है, देखिए ये देखिए विंग्स जो है वो उसमें कई प्रकार के कई सारे धब्बे पाए जाते हैं और बैंड पाए जाते हैं। ये देखिए जितने भी फिगर इसमें दिख रहे हैं इनमें सब में बैंड्स और धब्बे पाए जाते हैं, इसीलिए इनको जो है इस फैमिली की सबसे मेजर करेक्टरिस्टिक होता है कि इनके विंग्स में धब्बे पाए जाते हैं। और साथ ही साथ ये नॉक्टर्नल इनहैबिट होता था, रात को ही एक्टिव होते हैं और लाइट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। जो इनका लार्वा होता है उसके चारों तरफ पूरे जो है आपका डेंस हेयर पाए जाते हैं। जो हैरी कैटरपिलर होता है इंसेक्ट वो इसी फैमिली के अंतर्गत आता है, जैसे ब्लैक हैरी कैटरपिलर एस्टिग्मिनी लैक्टिनिया ना, और साथ साथ रेड हैरी कैटरपिलर एम्सेक्टा मुराई, ये सब जो है आर्किटिडी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। एक बहुत एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस की फैमिली है नॉक्टिडी, नॉक्टिडी बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। और इस के तहत मॉथ्स आती हैं, और ये जो मॉथ्स होती हैं ये देखिए सब जो है ये मीडियम साइज की मॉथ होती हैं है? और स्टाउटली बिल्ड मॉथ्स होती है। ये नॉक्टर्नल इनहैबिट होती हैं, अर्थात लाइट की ओर अटैक होती हैं और रात को ही ये एक्टिव होती है। इसके जो माउथ पार्ट्स में जो लेबियल पल्पाई है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है ना,
और जो लार्वल प्रोलैक्स होते हैं, जिससे भी जो प्रोलैक्स है ना, वो सेम साइज के होते हैं और अरे जो है सेमी सर्कल शेप में अरेंज होते हैं ना। कुछ लार्वा इसमें लूपर्स होते हैं, कुछ सेमी लूपर्स होते हैं, है ना। इनके जो लार्वा होते हैं उन लार्वा में 3 से 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। और ये कई बार जो छोटी छोटी सी जो सीडलिंग्स होती है, खासकर चने की फसल में जब फसल छोटी होती है, उस समय में ये ग्राउंड से जो है इनकी जो लार्वी होती है वो उस फसल को काट करके नीचे गिरा देती है। इसीलिए उसको कटवम कहा जाता है। कटवम जो है आपका खाता कम है, नुकसान ज्यादा पहुंचाता है चने की फसल। तो कटवम्स जो है, और हेली तौर पर आर्मी जेरा ग्राम पॉड बोरर ना, वो जितने भी जो इंसेक्ट्स हैं इस तरीके के, वो जो है आपका इसी नॉक्टिडी फैमिली के अंतर्गत आते हैं, हेली तौर पर आर्मी जेरा ना, और आपका ग्राम कटवम। और साथ ही साथ जो टोबैको कैटरपिलर है, टोबैको कटवम स्पोडोप्टेरा लिट्रा, ये भी इसी उसके फैमिली के अंतर्गत, नॉक्टिडी फैमिली के अंतर्गत आता है।